हाय गाइज़ वेलकम बैक इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है कि कोई प्रोग्राम है जिसे आप इटरेटिव वे से भी लिख सकते हैं और रिकर्जिव वे से भी लिख सकते हैं तो आप कौन सा चूज करोगे बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे रिकर्जिव बोल देते हैं बट दिस कैन बी द रोंग आंसर देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स जिसे आप इटरेटिव वे से भी सॉल्व कर सकते हैं और रिकर्जिव वे से भी सॉल्व कर सकते हैं चलिए जो क्वेश्चन मैंने दिया था उस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में जानते हैं रिकर्शन का यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स वन एडवांटेज एंड दैट एडवांटेज इज रिकर्सिव प्रोग्राम्स आर मोर इलिजेंट एंड आपको कम लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ता है फॉर अचीविंग द सेम थिंग सो लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ फैक्टोरियल प्रोग्राम एंड हियर यू कैन सी दिस इज अ प्रोग्राम यूजिंग रिकर्शन एंड दिस इज अ प्रोग्राम यूजिंग इटरेशन इटरेशन मीन्स हमने लूप का यूज किया है एंड दैट इज फॉर लूप यहाँ पे आप बोलोगे कि लेस कोड कहाँ पे? है दोनों में तो सेम अमाउंट ऑफ कोड है लेकिन अगर आप फिबोनाची सीरीज़ कंसीडर करते हैं यूजिंग रिकर्शन तो आपको बहुत कम कोड लिखना पड़ता है वेर एज़ वाइल्ड लूप से और फॉर लूप से आपको बहुत कुछ लिखना पड़ता है यहाँ पे देखिए रिजल्ट वेरिएबल आपको क्रिएट करना पड़ा यन वेरिएबल क्रिएट करना पड़ा यहाँ पे आपको ऐसे वेरिएबल्स क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे अब ये तो हो गया एडवांटेज रिकर्शन का अब बात करते डिसएडवांटेजेस के बारे में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का पहला इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है कि रिकर्सिव प्रोग्राम्स रिक्वायर्स मोर स्पेस देन इटरेटिव प्रोग्राम्स रिकर्सिव प्रोग्राम्स को ज्यादा मेमोरी चाहिए एज कंपेयर टू इटरेटिव प्रोग्राम्स अब बात आती है हाउ हमें पता है कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग में फंक्शन कॉल्स का ट्रैक रखने के लिए स्टैक मेमोरी का यूज किया जाता है जिसे हम स्टैक कॉल्स बोलते हैं सपोज़ आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो उस फंक्शन का कॉल उसे ट्रैक करने के लिए एक स्टैक मेमोरी होती है एंड उस स्टैक मेमोरी में कुछ मेमोरी अलोकेट किया जाता है फॉर दैट फंक्शन कॉल सो जितने ज़्यादा कॉल्स आप देंगे उतनी ज़्यादा स्टैक मेमोरी लगेगी एंड रिकर्जिव कॉल्स में क्या होता है आप बहुत सारे रिकर्जिव कॉल्स देते हैं एंड वो एक्चुअली में फंक्शन कॉल्स होते हैं सो so, कंसिडर एग्जाम्पल ऑफ़ फैक्ट ऑफ फाइव सो फैक्ट ऑफ फाइव एक ग्लोबल कॉल होगा देन उसके बाद आप एक से वैल्यू डिक्रीज करोगे रिकर्ज्यू कॉल देंगे विथ फैक्ट ऑफ फोर उसके लिए एक स्टैक मेमोरी देन एक और एंट्री बनेगी यहाँ पे फॉर द वैल्यू थ्री देन एक और एंट्री बनेगी फॉर द वैल्यू टू एंड इसके लिए इंटरनल मेमोरी लगेगी सो रिकर्व कॉल्स आर नॉट मेमोरी इफ़िशियंट अगर हम बात करते हैं स्टैक कॉल्स के बारे में एंड जो भी मेमोरी लगती है स्टैक कॉल्स के लिए वो मेमोरी इट्रेशन में नहीं होगी एंड ये इट्रेशन का एडवांटेज बन जाता है इटरेटिव प्रोग्राम्स डोंट रिक्वायर स्टैक स्पेस क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल नहीं है नो फंक्शन कॉल नो स्टैक स्पेस रिकर्शन का पहला डिसएडवांटेज हमें समझ में आ गया वो स्पेस से रिलेटेड था मेमोरी से रिलेटेड था उसे हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बोल सकते हैं अब बात करते हैं सेकेंड डिसएडवांटेज के बारे में एंड इट इज़ नथिंग बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ अल्सो अ प्रॉब्लम वेन मल्टीपल रिकर्ज्यू कॉल्स हैपन्स कैसे चलिए समझते हैं चलिए अब इन दो प्रोग्राम्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं यहाँ पे फॉर लूप है एंड ये फॉर लूप रन होगा फॉर यन नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप वैल्यू प्रोवाइड करते हैं फाइव फाइव का फैक्टोरियल आप फाइंड करना चाहते हैं तो ये जो लूप है एक्चुअली में फाइव टाइम्स रन होगा अगर आप डेटा को इनक्रीज करते हैं सपोज़ आप टेन पास करते हैं तो ये जो लूप है टेन टाइम्स रन होगा सपोज इफ़ यू मेक अ वैल्यू ट्वेंटी ये जो फॉर लूप है ट्वेंटी टाइम्स रन होगा सो so यहाँ पे लिनियर रिलेशन है सो so जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी सपोज़ मैं प्लॉट करता हूँ इन वैल्यूज़ को दैट इज़ ग्रोथ इन वैल्यू एंड अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर इट्रेशन फाइव so, के लिए फाइव इट्रेशन लगेंगे टेन के लिए टेन इट्रेशन सो जो रिलेशन होगा वो लिनियर होगा सो इट इज लीनियर रिलेशन सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वर्स्ट केस हम डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग बिग ओ नोटेशन एंड इट विल बी बिग ओ ऑफ एन अब बात करते हैं रिकर्जिव वे के बारे में सिंपली ध्यान में रखना है जब भी एक रिकर्जिव कॉल होता है तब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहता है ओ ऑफ एन जब दो रिकर्जिव कॉल्स होते हैं लाइक फिबोनाची सीरीज के लिए हम दो रिकर्जिव कॉल करते हैं फिबो ऑफ एन माइनस वन एन प्लस फिबो ऑफ एन माइनस टू वहां पर दो रिकर्ज़िव कॉल कॉल्स देते हैं देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बिकम थ्री रेस टू एन सिंपल है सपोज आप फाइव पास करते एंड इसमें एक ही रिकर्ज्यू कॉल है तो फाइव के लिए एक रिकर्ज्यू कॉल फोर के लिए एक रिकर्ज्यू कॉल थ्री के लिए टू के लिए एंड वन के लिए फाइव टाइम्स ये रन होगा सेम यहाँ पे भी हो रहा है फाइव टाइम्स ये लूप चल रहा है इट्रेशन चल रहा है सो इट विल बी बिग ओ ऑफ यन सेम फॉर बोथ लेकिन अगर आप यहाँ पे मल्टीपल कॉल्स देते सपोज आप टू कॉल्स देते तो एक रिकर्ज्यू कॉल के लिए यहाँ पे डबल ग्रोथ होने वाली है सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी टू रेस्ट टू यन जब एक रिकर्सिव कॉल होता है तब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है रिकर्शन से लेकिन जब मल्टीपल कॉल्स आप देते हैं लाइक फिबोनाची सीरीज में तब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का प्रॉब्लम आता है रिकर्शन में सो दैट्स वाई इट्रेशन इज़ ऑलवेज अ प्रेफर्ड वे इफ़ यू वॉन्ट बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम के बारे में हैंडलिंग ऑफ इन्फिनीटी एंड ये रिकर्शन का बिगेस्ट प्रॉब्लम है इन्फनाइट रिकर्शन जब ऑकर होता है तब सिस्टम को क्रैश करके ये रुक जाता है वेर आज इन्फनाइट इट्रेशन जब होता है तब ये एप्लीकेशन को स्टॉप करके रुक जाता है अब फाइनल आंसर के बारे में बात करते हैं इट डिपेंड्स रिकर्जिव वे आप यूज़ करोगे अगर आपको लेस एंड एलिजेंट कोड चाहिए तो और इटरेटिव वे आप यूज़ करोगे अगर आप टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का ख्याल रखना चाहते हैं तो आई होप गाइज यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो विल सी यू नेक्स्ट टाइम